अब बात करते हैं खाद्य तेल से अपनी बड़ी अगली खबर की ओर रुख करते हैं। बता दें इंडोनेशिया द्वारा पाम तेल के निर्यात पर रोक हटाने से खाद्य तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है, और वहीं भारत सरकार द्वारा कुछ शर्तों के साथ कच्चे सोयाबीन व सूरजमुखी तेल से आयात शुल्क हटाने के बाद अब खाद्य तेल और सस्ते हो सकते हैं। वहीं कारोबारियों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों पर दबाव के साथ ही घरेलू सरसों के बंपर पैदावार से भी खाद्य तेलों की कीमतों में कमी को बल मिल सकता है। वहीं बीते 2 सप्ताह के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे पाम के दाम $1,800 से ये घटकर $1,745 या RBD पामोलियन के दाम $1,760 से घटकर ये $1,650 प्रति टन, और सूरजमुखी तेल के दाम मुंबई में बता दे $2,200 से घटकर $2,100 प्रति टन पे ये आ गए हैं। वहीं इस दौरान देसी तेलों में सरसों तेल के थोक भाव ₹158 से घटकर ₹148 और रिफाइंड सोया तेल के दाम ₹162 से घटकर ₹153 और मूंगफली तेल के दाम ₹165 से घटकर ₹160, वहीं सूरजमुखी तेल के दाम ₹195 से घटकर ये ₹188 प्रति किलो ये रह गए हैं। साथ ही सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑयल इंडस्ट्री ट्रेड यानी कि इनका के जो चेयरमैन है, उन्होंने बताया कि इंडोनेशिया द्वारा निर्यात पर रोक हटाने से खाद्य तेल के दाम में 7 से 8 रुपए किलो ये गिर चुके हैं। वहीं इंडोनेशिया और मलेशिया में खाद्य तेल का स्टॉक काफी बढ़ गया है, ऐसे में आगे भी इनकी कीमतों में गिरावट का रुख देखने को मिल सकता है। देसी खाद्य तेल के दाम जो तो पिछले साल के बराबर ही आ चुके हैं। वहीं अखिल भारतीय खाद्य तेल व्यापारी महासंघ के अध्यक्ष शंकर ठक्कर ने कहा है कि इंडोनेशिया के निर्यात पर रोक हटने से पहले ही इसकी खबर थी, ऐसे में रोक हटने से पहले दाम 5% गिर चुके थे और हटने के बाद ये 3% और गिरे हैं। अब भारत सरकार ने 20 लाख टन कच्चा सोयाबीन तेल और 20 लाख टन कच्चा सूरजमुखी तेल अगले 2 साल के लिए आयात शुल्क मुक्त करने की घोषणा की है। इससे उपभोक्ता को राहत तभी मिलेगी जब सरकार कीमतों को नियंत्रित करने के लिए निगरानी तंत्र तैयार करे और ये सुनिश्चित करे कि जो खाद्य तेल आयात शुल्क मुक्त आयात होगा उसके दाम भी आयातकों और कारोबारियों द्वारा घटाए जाएंगे। वहीं दिल्ली खाद्य तेल संघ के सचिव ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी खाद्य तेलों की उपलब्धता अच्छी है और घरेलू बाजार में इस साल सरसों की बंपर पैदावार हुई है। वहीं खाद्य तेलों के दाम अंतर्राष्ट्रीय कारणों से बढ़ रहे थे, अब जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम गिरने लगे हैं तो घरेलू बाजार में आगे कीमतें और गिर सकती हैं। वहीं 2 सप्ताह के दौरान खाद्य तेल के दाम 8 से 10 रुपए तक घट चुके हैं। तो ये थी बात खाद्य तेलों में आने वाली गिरावट की, हो सकता है आगे जाके खाद्य तेल के दाम गिर जाएं और इसमें और ज्यादा लोगों को गिरावट देखने को मिले। तो ये थी बड़ी खबरें, और आज और बड़ी खबरों के लिए अभी आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।